हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट की जो पोयम है अमांडा। तो इसके जो पोएट हैं वो हैं रॉबिन क्लिन। तो इस पोयम में जो है एक बच्ची के बारे में है कि वो बच्ची जो है उस बच्ची से सब बोलते रहते हैं उसमें लिए उसके पेरेंट्स की ये मत करो वो मत करो, तो वही ये पोयम में है। तो फर्स्ट स्टैंजा है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सेट अप स्ट्रेट। तो ये बोला गया है कि मतलब इस बच्ची से सब ऐसे बोलते रहते हैं, बड़े जैसे छोटों से बोलते हैं ये मत करो वो मत करो, वही चीज़। बाइट योर नेल्स मतलब अपने नाखून हैं वो मत चबाओ। हंच योर शोल्डर इसका मतलब होता है जो अपर पोर्शन है आपके ऊपर के जो कंधे हैं वो आगे की तरफ मत झुकाओ, स्ट्रेट बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग होता है टू स्टैंड सिट और मूव इन लेजी एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब लेजीली मत चलो, अच्छे से स्ट्रेट सीधे होकर के चलो, ये क्या मतलब कहते रहते हैं। तो अमांडा वही है कि अमांडा को इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं उसके पेरेंट्स जो हैं, अपने नेल मत चबाओ, लेजी आलसियों की तरह मत बैठो और सीधे चलो, ये सारी की सारी जो हैं पूरी बातें वो कहते रहते हैं। तो हमेशा जो है उससे टोन ऑफ इंस्ट्रक्शन, हमेशा जैसे कुछ ना कुछ आदेश या फिर इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि ऐसे करो ऐसे ना करो, तो ये वही है। इसमें यही बताया गया है कि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है स्पेशली अ गर्ल चाइल्ड, और पेरेंट्स उस पर कितनी ज़्यादा लिमिट लगाते हैं कि भाई इस तरीके से प्रॉपर सेंस होना चाहिए, इस तरीके से बच्चों को रहना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग एक तरीके से उनको प्रोवाइड करते हैं कि सोसाइटी का अगर उन्हें अच्छा पार्ट बनना है तो किस तरीके से उनको मतलब बिहेव करना है। तो जो अमांडा है ये मतलब इस तरीके से कि वो फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन सी हो जाती है बच्ची को उस बात से कि हर कोई अमांडा ये मत करो अमांडा वो मत करो, इस तरीके से ये हमें इसमें बताया गया है। अब देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो देखिए लैंग्विड का मतलब होता है विदाउट एनी फोर्स और इंटरेस्ट, मतलब बिना किसी इंटरेस्ट के, है ना, ऐसे मतलब हैं जैसे कि एमरल्ड सी, तो मतलब सी में एक तरह से समुद्र में बिना किसी इंटरेस्ट के जैसे कोई हो। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ऐसा समुद्र है ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोल इनहेबिटेंट, सोल मतलब अकेली मैं, इनहेबिटेंट एक अकेली मैं ही वहाँ पर रहती हूँ, है ना। और ड्रिफ्टिंग ये वाला जो वर्ड है इसमें ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, अ स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट, ड्रिफ्ट करने का मतलब होता है बहुत ही स्लो स्लो चलना, है ना। इन मरमेड जो है एक इमेजिनरी, आपने अगर बचपन में देखा होगा तो मरमेड एक फ़िश होती है और वो वुमेन का उसका हेड होता है और बॉडी जो है फ़िश की होती है। तो ये कहते हैं इस तरीके से जैसे कि बच्चे को बार बार जो अमांडा है बच्ची इसको बार बार क्रिटिसाइज़ करते हैं उसके पेरेंट्स, तो उसको कुछ ऐसी तरह की फील आती है। ये वाला जो ब्रैकेट्स में हमें दिया हुआ है इसमें ये बताने के बारे में, पिछले ही जो पुराना पैराग्राफ है उसके बारे में और जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पोएट जो है वो इमेजिनेशन है ना जो गर्ल की फ्री फ्लोइंग है, मतलब वो कितने सारे उसके बहुत ही अच्छे अच्छे से थॉट्स आते हैं और इस तरीके से उन थॉट्स से जो पेरेंट्स उसको पूरे दिन कमांड करते रहते हैं ये करो वो करो, उससे दूर जो उसके थॉट्स आते हैं वो हमें बताया गया है, है ना। एक तो है इस जगह पे जहाँ पर वो है अपने घर में, वो सफोकेटेड मतलब घुटन सी उसको फील होती है इस वर्ल्ड में, और वो जो अपना स्पेस अपना पीस शांति पाती है जहाँ पर उसको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इस तरीके से, अपने मन में अपनी एक अलग ही दुनिया वो चाहती है, जैसे कि मरमेड होती है समुद्र में वो आराम से जॉयफुली खुशी खुशी से रहना चाहती है, इसी तरीके से अमांडा जो है वो फ्री रहना चाहती है और खुशी से रहना चाहती है, इस दुनिया की रिस्ट्रिक्शन से दूर ऐसा बच्चा चाहता है। और यहाँ पे जो है जो उसे करने के लिए मजबूर किया जाता है, है ना। अब फिर उससे और क्या क्या बोला जाता है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर दिया। डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना रूम साफ कर दिया। टाइडी का मतलब है साफ कर देना, सही तरीके से रख देना। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मेरे को लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अपने शूज़ क्लीन करने हैं, तो इस तरीके की बातें कही जाती हैं। देखिए कि अमांडा से क्या क्या कहा जाता है, तुमने अपना क्या होमवर्क फिनिश कर दिया है, क्या तुमने अपना रूम साफ कर दिया है, क्या तुमने अपने शूज़ साफ़ कर दिए हैं, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वही जो फर्स्ट स्टैंजा में थे वही सेकंड स्टैंजा में इंस्ट्रक्शन जो उसे बार 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 ये करो वो करो ऐसे मत करो जो इंस्ट्रक्शन उसे दिए जाते हैं वही हमें इसमें बता रहे हैं। उसको एक डिसिप्लिन चाइल्ड बनाना चाहते हैं और इसकी वजह से क्या होता है उसकी जो अपनी फ्रीडम है उसकी जो अपनी इच्छाएं हैं जो वो करना चाहती है एक्चुअल में वो मतलब बिल्कुल दब सी जाती हैं हर समय क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शंस मिलते रहते हैं और इस बात से वो परेशान भी है। अब ब्रैकेट में स्टार्टिंग में देखिए वाले जो पैरा हैं इसमें वो बताया गया है जो
पेरेंट्स उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर बच्चा क्या सोच, बच्ची क्या सोचती है, फिर इंस्ट्रक्शन, फिर बच्ची क्या सोचती है। बच्ची मतलब इतनी परेशान हो जाती है कि वो सोचती है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। ऑर्फन होता है जिनके चाइल्डलेस जो बच्चा होता है, जिसके पेरेंट्स नहीं होते। रोमिंग द स्ट्रीट मतलब इधर उधर टहलते हुए घूमना, रोम करना, है ना। अ पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फुट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। फिर रोमिंग इधर उधर भटकना, हश्ड जो होता है वेरी क्वाइट, हश्ड है यहाँ पर देखिए, जो बिल्कुल शांति से, वेरी क्वाइट एंड शांति से वो इधर उधर घूम रही है। बेयर मतलब बिना कपड़ों, मतलब बिना जो खुली चीज़ होती है जिसमें कपड़े नहीं होते, विदाउट समथिंग दैट इज़ नॉट कवर्ड, जिसको कवर्ड नहीं किया जा गया होता, तो मतलब बिना चप्पलों के पैरों में घूमना। और साइलेंस इज़ गोल्डन मतलब शांति जो होती है वो कितनी अच्छी होती है। और फ्रीडम इज़ स्वीट मतलब आपको आज़ादी है किसी काम को करने की, तो मतलब उसमें काफ़ी अच्छा सा लगता है। तो इस स्टेंजा में फिर से अमेंडा का रिएक्शन बताया गया है अपने मदर के, अपने पेरेंट्स के हार्श जो वर्ड्स हैं उनके उनकी तरफ। तो अमेंडा चाहती है अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में कि काश उसके पेरेंट्स ही ना होते, मैं वो ऑर्फन हो जाती, इस टाइप का वो सोचती है। वो सोचती है कि वो बाहर घूमा करती, उसकी मदर उसको कितना परेशान करती हैं, और बिना शूज़ के वो इधर उधर घूमा करती, अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे वो जाया करती, तो और कोई बिना मतलब साउंड किए वो इधर आराम से फ्रीडम में घूम रही होती। हर लव फॉर साइलेंस इज़ अ रिजल्ट ऑफ द शाउटिंग एंड येलिंग ऑफ अर पेरेंट्स। तो वो चाहती है कहीं साइलेंस इज़ गोल्डन मतलब शांति हो, क्योंकि उसके पेरेंट्स हमेशा उस पर चिल्लाते रहते हैं और वो फ्री नहीं है, उनकी बातों से माननी पड़ती है। तो साइलेंस इज़ गोल्डन मतलब शांति बहुत अच्छी होती है, और फ्रीडम जो है, जो आप फ्री हैं तो वो कितनी स्वीट होती है, ये अमांडा सोच रही है। अब पेरेंट्स क्या बोलते हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, ये चॉकलेट मत खाओ, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, एक्ने होते हैं जो पिंपल्स हो जाते हैं ना स्किन पे, वो एक्ने होते हैं ना। अब ये हो गया, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग एट यू अमांडा। फिर वही कहते हैं कि चॉकलेट मत खाओ, तुम्हारे पिंपल्स हो रहे हैं, अब मैं तुम्हारी तरह तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ़ देखो। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वही है कि पूरे उसमें उसके पेरेंट्स उसे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि जो ब्यूटी, अब एक्ने हो गया मतलब पिंपल हो गए तो अच्छे नहीं दिखोगे, तो ब्यूटी जो है ना एक्सटर्नल ब्यूटी की कितनी इंपॉर्टेंस है वो समझाना चाह रहे हैं, और इतनी कम एज में ही, और ध्यान से देखो मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम्हें मेरी तरफ़ देखना चाहिए, यही केयरलेस जो तुम्हारा एटीट्यूड है इधर उधर कहीं भी देखते रहना वो सही नहीं है, सोसाइटी में कोई तुमसे बात करे तो मतलब सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं पेरेंट्स, बच्चों को सिखाना चाहते हैं, चाहे बच्चे क्या चाहते हैं वो नहीं समझते हैं, वो नहीं सोचते हैं। तो यही सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस पोएम में हमें बताते हैं। अब फिर से ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट में पहले पेरेंट्स क्या करते हैं, ब्रैकेट में वो बात आती है कि वो बच्ची क्या सोच रही होती है। अमांडा, आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, मैं रपुंजल हूँ, मेरे पास कोई केयर ही नहीं है, मतलब कुछ मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई लिव इन अ टावर इन ट्रैंक्विल एंड रेयर, ट्रैंक्विल होता है फ्री फ्रॉम एनी ट्रबल और एन्जाइटी, मतलब बिल्कुल पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड से रह रही हूँ। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो जो रपुंजल है एक ना जर्मन करेक्टर है, उसमें क्या होता है, एक बच्ची एक लड़की होती है, वो उसके बहुत ही सुंदर बाल होते हैं और इतने लंबे बाल होते हैं कि वो एक विच होती है, एक चुड़ैल ने रपुंजल को ट्री पे रख रखा होता है, वो चुड़ैल जो है उस रपुंजल के बालों की हेल्प से ऊपर चढ़ करके वो आती है। तो ये वाली एक बचपन में शायद अपने कार्टून भी देखा होगा, उसके ब्राइट हेयर होते हैं, वो केयरलेसली मतलब बिल्कुल मज़े से ऊपर रह रही होती है ट्री हाउस पे। तो अमांडा जो है वो अपने ड्रीम्स में, यहाँ पर जो है पैकेट वाले में अपने ड्रीम्स में खोई हुई होती है, वो एक्सप्लेन करती है खुद को, पिक्चर खुद को एक रपुंजल की तरह सोचती है कि उसके लंबे गोल्डन हेयर हों, वो एक कासल में रहे मतलब अच्छी सी जगह रहे जहाँ पे उसको किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत ना हो, वो अपनी लाइफ रपुंजल की तरह पीसफुल और बहुत ही अच्छी सी इमेजिन करती है। वो चाहती है कि जैसे रपुंजल ऊपर रहती थी पीसफुल, इस तरीके से वो रहे, उसको बाकी किसी और चीज़ से मतलब ना हो और किसी और से उसका कोई कनेक्शन ही ना हो, वो अकेली रहे, पीसफुल रहे और आराम से अपनी तरह से अपनी लाइफ को जिए जैसे वो खुद जीना चाहती है, ना कि अपने पेरेंट्स की तरह से जो उसे हमेशा डांटते ही रहते हैं। अब आगे है, स्टॉप इट सुल्किंग एट वंस अमांडा। अब फिर पेरेंट्स की बात आ गई, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, यू एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा, है ना। तो सल्किंग का मतलब होता है टू बी एंग्री और अपसेट, सल्किंग का यहाँ पे है किसी बात से गुस्सा हो जाना या अपसेट हो जाना, नैग्ड का मतलब इरीटेट, नैगिंग का मतलब है इरीटेट हो जाना, कंप्लेन करते रहना एटीट्यूड के बारे में, ये होता है नैग्ड। तो यहाँ पे बोलते हैं
कि जो है पेरेंट्स इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं अमेंडा को कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट अमेंडा जो है अपने ड्रीम्स में खोती रहती है, जो ब्रैकेट्स में दिखाया गया है ना, वो अमेंडा अपने ड्रीम में खो रखी है। पेरेंट्स बिलीव मतलब चाहते हैं कि अमेंडा जो है उनकी बातों पे रिएक्ट करे, मगर अमेंडा नहीं रिएक्ट कर रही होती है तो वो कहते हैं कि मतलब ये अच्छे से बिहेव नहीं कर रही, उसका बिहेवियर जो है पेरेंट्स के तरफ जो है काफ़ी बैड है और उसकी ख़राब इमेज बनती बनेगी दूसरों के सामने, ऐसा सोचते हैं पेरेंट्स। सोसाइटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न करते हैं और वो कहते हैं कि बच्चा तो हमेशा मूडी टाइप का है, सो कहते हैं अमेंडा को कि तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं देती हमारे बातों की तरफ। दे वॉन्ट टू प्रूव देमसेल्व एज रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हु मैनेज टू बैलेंस, मतलब वो ऐसे सोच रहे होते हैं पेरेंट्स उसके कि अमेंडा उसकी बातों पर पेरेंट्स की बातों पर ध्यान नहीं देती ज़्यादा, तो सोसाइटी वाले लोग क्या सोचेंगे कि अमेंडा को उन्होंने ढंग से नहीं पाला है, अमेंडा तो बातों पे रिस्पॉन्स ही नहीं करती है और अच्छे से नहीं रहती है। तो बस वही है कि फिर इस वजह से वो अमेंडा को हमेशा इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं ताकि सोसाइटी में वो खुद को अच्छा पेरेंट्स दिखा सके। तो ये हमारा पोएम का एक्सप्लेनेशन हो गया। देखिए हर बार की तरह जैसे मैंने आपको बताया है कि एलिटरेशन जो है वो मोस्टली सारी के सारे पोएम्स में इस्तेमाल किया ही जाता है। एलिटरेशन क्या होता है? एलिटरेशन होता है रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन द सेम लाइन। जैसे कि अब इसमें स्टॉप द स्कल्किंग, तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ऐसे, इसी तरीके से जो वर्ड्स बार बार इस्तेमाल होते हैं इनिशियल लेटर्स, वो हमारा क्या होता है? एलिटरेशन होता है। अब मेटाफर, मेटाफर का क्या मतलब होता है? डिवाइस जो एक चीज़ या क्वालिटीज़ को दो चीज़ों को जैसे कंपेयर कर रही होती है, अ डिवाइस विच कंपेयर्स टू थिंग्स और क्वालिटीज़ विच आर अनलाइक, मतलब ऐसी चीज़ों से कंपेयर किया जाता है जो एक जैसी ना हो मगर फिर भी कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि इसमें साइलेंस इज़ गोल्डन, साइलेंस गोल्डन तो है नहीं मगर साइलेंस को बोला गया है कि वो गोल्डन है, बहुत अच्छा है। फ्रीडम इज़ स्वीट, फ्रीडम और स्वीट तो अलग अलग चीज़ें हैं मगर फ्रीडम को स्वीट से अच्छी चीज़ से कंपेयर किया गया है, तो ये होता है मेटाफर। तो ये वाले हो गए। एक राइम स्कीम होती है इसकी, ए ए बी ए है फर्स्ट वाले की, ए ए बी ए, वो हमारे पहले वाले वर्ड जो होते हैं उससे हम लोग लेके चलते हैं। फिर इसमें हाँ ये दोनों जो हैं आप एल्यूजन भी हम कह सकते हैं, ए एल एल यू एस आई ओ एन, इसका क्या मतलब होता है? अ रेफरेंस टू स्टेटमेंट पर्सन प्लेस फ्रॉम हिस्ट्री रिलीजन लिटरेचर, मतलब पुराने ज़माने से रेफरेंस ले करके बताना, उसको एल्यूजन कहते हैं, ए एल एल यू एस आई ओ एन। तो रपुंजल का हम लोगों ने लिया है इसमें पोएम में दिया गया है और मोमेट का लिया गया है, तो इसको एल्यूजन बोलते हैं। पोएम का एक्सप्लेनेशन हो गया, थैंक यू।